तो गाइस 2020 के शुरू होने के साथ ही सैमसंग भी अपने ए सीरीज के दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिनको लेकर सैमसंग इंडिया के ऑफिशियली वेबसाइट पर टीजर भी सामने आ चुका है। और इस टीजर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसी मंथ आपको ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाए। सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज में बेसिकली आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक होगा गैलेक्सी A51 और दूसरा होगा गैलेक्सी A71। दोनों ही डिवाइस मिड रेंज सेगमेंट के डिवाइस हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन ऑफर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ के इन दोनों स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये डिवाइस किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आ सकते हैं और आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। गाइज, दोनों ही डिवाइस कुछ टाइम पहले वियतनाम में लॉन्च हो चुके हैं और अब सैमसंग मिड रेंज सेगमेंट के अंदर ये दोनों डिवाइस इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। अगर स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करें तो दोनों ही डिवाइस के रेयर पैनल में आपको ग्लास्टिक बैक देखने को मिलता है विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिशिंग, मतलब होगा ये पॉलीकार्बोनेट बट देखने में एकदम ग्लास की तरह होगा। रेक्टेंगल कैमरा मॉड्यूल के साथ में एल शेप क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और साथ में सैमसंग की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। अब फ्रंट साइड की बात करें तो गैलेक्सी A51 में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले होगा और गैलेक्सी A70 के साथ में थोड़ा बिगर मतलब 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइस सुपर एमोलेड पैनल इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ में आएंगे। दोनों डिवाइस के साथ में सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ठीक वैसा ही जैसा आपको सैमसंग नोट 10 सीरीज़ के साथ में देखने को मिला था। इसके अलावा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। गाइज, कैमराज की बात करें तो दोनों डिवाइस रेक्टेंगल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आने वाले हैं। गैलेक्सी A51 में प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा बट गैलेक्सी A71 में, जो कि एक अपर मिड रेंज डिवाइस होगा, आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बाकी के तीन सेंसर दोनों ही डिवाइस में 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ आएंगे। फ्रंट कैमरा में दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। गैलेक्सी A51 एक्सिनोस 9611 के ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ में आएगा, जबकि गैलेक्सी A71 के साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट मिलने वाला है। बात करें बैटरी कैपेसिटी को लेकर तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में 4000mAh की बैटरी ऑफर करने वाला है, जो कि 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी, जबकि गैलेक्सी A71 के साथ में आपको बिगर बैटरी मतलब 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। दोनों ही डिवाइस एंड्रॉयड 10 के ऊपर सैमसंग के वन यूआई के साथ में आने वाले हैं। गैलेक्सी A51 4GB, 6GB और 8GB रैम वेरियंट के साथ आएगा, जबकि गैलेक्सी A71 में शायद से आपको 6GB और 8GB दो वेरिएंट ही देखने को मिलने वाले हैं। अब गाइस, प्राइसिंग की बात करें तो गैलेक्सी A51 21 से 22000 के प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलेगा, जबकि गैलेक्सी A71 जो कि एक अपर मिड रेंज डिवाइस होगा, A51 के कंपैरिजन में थोड़ी से ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ में आता है, तो आपको 28 से 29000 के प्राइस पर देखने को मिल सकता है। ये डिवाइस इसी मंथ यानी लास्ट वीक ऑफ जनवरी आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब इस प्राइस सेगमेंट पर अगर ये डिवाइस इंडिया में आते हैं तो क्या आप इन डिवाइस के लिए इंटरेस्टेड हैं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और आपके अकॉर्डिंग इन डिवाइस की जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए। तो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।